नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ निश तदीक्ष। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, किसका इंतजार था? राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड सीधी भर्ती परीक्षा की। दोस्तों, राजस्थान में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती 2022 का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस नोटिफिकेशन में क्या है, कितने पद है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं, TSP के कितने पद हैं, नॉन TSP के कितने पद हैं और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, इन सभी की बात करेंगे और फीस कितनी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है, जो कि देखिए आपके सामने क्या लिखा है नोटिफिकेशन में दोस्तों। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या जारी कर दिया, पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती कब की कहलाएगी दोस्तों, 2022 राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की सीधी भर्ती परीक्षा 2022 होगी। कुल कितने पद है, तो कुल दोस्तों कुल पद है 460। कुल कितने पद है, कुल पद है 460। अब 460 कुल पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी दोस्तों नॉन टीएसपी के कुल कितने पद है, नॉन टीएसपी के कुल पद है 394 यानी 394, 394 पद है 394। और कुल टीएसपी के कितने पद है दोस्तों, 66। कुल कितने है पद टीएसपी के, 66। और अब की बार नोटिफिकेशन में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बता दिए कि कुल किस डिस्ट्रिक्ट के कितने पद है, किस कैटेगरी के कितने पद है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक बात आपको बताई जाएगी, कब से कब तक फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये नोटिफिकेशन है। आवेदन प्रक्रिया दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पता है राजस्थान में वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे अपनी SSO ID से, फिर अपना फॉर्म भर पाओगे दोस्तों। तो आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, अपनी SSO ID से आवेदन प्रक्रिया आप भर सकते हैं, ये बता रखा है दोस्तों। आगे चलो, आगे विज्ञप्ति में क्या दे रखा है, आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की परीक्षा शुल्क कितना रहेगा, तो दोस्तों सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग यानी OBC और जनरल, ठीक है दोस्तों, कितनी फीस रहेगी, कुल फीस रहेगी दोस्तों इनकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, 450 रुपए सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी के या अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए रहेगी 450 रुपए दोस्तों। नॉन क्रिमिनल OBC MBC या EWS दोस्तों या EWS के कैंडिडेट की कितनी फीस रहेगी, 350 रुपए फीस रहेगी दोस्तों। और SC ST के लिए क्या फीस रहेगी, 250 रुपए, क्या फीस रहेगी, 250 रुपए। ये पता लग गया दोस्तों परीक्षा शुल्क कितना रहेगा, 450, 350, 250, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगी। और जिनकी वार्षिक आय दोस्तों, जिनकी वार्षिक आय परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, उनके लिए 250 रुपए फीस रहेगी दोस्तों। उनके लिए कितनी फीस रहेगी, 250 रुपए फीस रहेगी दोस्तों। ये थी फीस आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। अब देखें दोस्तों आगे विज्ञप्ति में आगे क्या दे रखा है दोस्तों, प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र दोस्तों जब एग्जाम डेट आएगी तो तभी मालूम पड़ेगा क्या शेड्यूल रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएंगे। निम्न पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के रिक्त पदों का वर्गीकरण दोस्तों किस प्रकार है, ये देखिए पदों का वर्गीकरण किस प्रकार दे रखा है, ये देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज कुल पदों की संख्या। जैसे दोस्तों अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बैकलॉग ST कैटेगरी के कितने पद हैं, अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के कितने हैं, महिला की सामान्य महिला का कितना है, विधवा कितनी है, प्रत्येकता सभी के लिए दोस्तों अलग अलग EWS वर्ग, SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग, MBC वर्ग सभी के लिए पदों का वर्गीकरण अब की बार पहले ही कर दिया गया है दोस्तों। कुल कितने पद रहेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में कुल कितनी पद रहेंगे, सभी के बारे में बता रखा है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लेना आप। कुल कितने पद रहेंगे TSP नॉन TSP के अकॉर्डिंग बता रखिए। अब आगे देखो विज्ञप्ति में क्या दे रखा है दोस्तों, मुख्य मुख्य बातें हम बात करेंगे इसके ऊपर दोस्तों, क्या सिलेबस रहेगा और कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर दोस्तों, आगामी जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आएगा। स्पोर्ट्स कोटा आपको पता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है तो उनके लिए भी है, कौन कौन से खेल शामिल है, कौन सा मेडल होना चाहिए, वो सब दे रखा है। वेतनमान दोस्तों
सैलरी कितनी रहेगी? सैलरी क्या रहेगी दोस्तों? राजस्थान के राज्य सरकार का जो सातवां वेतनमान के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहेगा दोस्तों, पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहेगा, जिसे हम वैसे साधारण बोलें तो क्या बोलते हैं 3600 ग्रेड पे भी बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता रहेगी, क्या पात्रता रहेगी। पात्रता दोस्तों वही पात्रता है सेम सीनियर सेकेंडरी के साथ, यानी 12th क्लास होना चाहिए सबसे पहली बात तो, 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है कि साथ ही सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT, ठीक है, द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक या डिप्लोमा, यानी दोस्तों CLIS सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाला भी एलिजिबल है। DLS यानी जिसमें डिप्लोमा कर रहा है या डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल है, और BLIS बैचलर डिग्री वाला भी एलिजिबल है, और हायर एजुकेशन MLIS वाला भी एलिजिबल है। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो न्यूनतम योग्यता दोस्तों आपकी 12वीं प्लस क्या रहेगी? CLIS। इससे ऊपर कोई भी योग्यता है तो आप एलिजिबल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ ये रहता है, मेरा तो सर अभी अपेयरिंग में चल रहा है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें साफ साफ दे रखा है कि कौन एलिजिबल होगा कौन एलिजिबल नहीं होगा, तो ये डाउट आप अभी क्लियर कर लेना ताकि आप तैयारी करें तो कोई आपके मन में कुछ भी शंका ना रहे। देखिए ध्यान से, ये लिख रखा है कि जो व्यक्ति, क्या लिख रखा है कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम की यानी कोई भी आप कोर्स कर रहे हो लाइब्रेरी साइंस में, उसके अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित होने वाला, यानी आपकी परीक्षा होने वाली है, पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता और सीधी भर्ती के लिए आवेदन के लिए तो पात्र होगा। यानी आप आवेदन तो कर सकते हो, अपेयरिंग वाला आवेदन कर सकता है पहली बात। अब देखो आगे, लेकिन उसका क्या है, जो प्रमाण पत्र है ना वो कब तक प्रस्तुत करना होगा, कब तक कंप्लीट हो जाएगा उसकी बात करेंगे दोस्तों, तो वो ध्यान रखना कब तक कंप्लीट होना चाहिए। वो देख रखिए मुख्य परीक्षा के उपस्थित होने से पहले, कि जब भी आपकी मुख्य परीक्षा होती है ना, यानी आपका लाइब्रेरियन का एग्जाम आ जाता है, जैसे 25 सितंबर को आपका एग्जाम डेट आ जाती है, तो इस 25 सितंबर से पहले पहले या 25 सितंबर तक आपकी क्या है दोस्तों, CLIS BLIS जो भी कर रहे हो वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि 26 सितंबर को आपकी कंप्लीट होती है तो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो जिसमें केवल परीक्षा होती है उसमें परीक्षा तक होता है, जिसमें इंटरव्यू होता है तो उसमें इंटरव्यू तक होता है, तो वैकेंसी में इंटरव्यू तो है नहीं, लिखित परीक्षा है, तो लिखित परीक्षा से पहले पहले आप दोस्तों एलिजिबल होने चाहिए। आपकी डिग्री डिप्लोमा अगर कंप्लीट होती है तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो दोस्तों आप बाहर। सीधी सी बात है, आप अच्छे से देख लेना कि परीक्षा से पहले पहले हो जाना चाहिए, ये सब ध्यान में रखना है। अपेयरिंग वाला फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले ही आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि बार बार ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, मैं भर पाऊंगा, तो आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, आप आराम से भर पाएंगे, वहां अपेयरिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अन्य योग्यताएं दोस्तों, स्वास्थ्य चरित्र ये सभी रहती है, राष्ट्रीयता भारत का, ठीक है, राजस्थान का, और जो भी अधिकतम छूट रहती है IU की, वो सभी अपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबको पता है दोस्तों। अब देखें दोस्तों परीक्षा का माह, इसमें दे रखा है दोस्तों भर्ती में कि परीक्षा कब हो, परीक्षा का माह एवं दिनांक, तो याद रखना माह दे रखा है सितंबर 2022, यानी कि सितंबर 2022 को आधार मानकर आपको अपनी तैयारी करनी है। सितंबर 2022 यानी मई एंड चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, 3 महीने आपके पास है, सितंबर में आपका एग्जाम होगा दोस्तों। क्या एग्जाम डेट? सितंबर 2022 आपकी एग्जाम डेट बताइए। अब फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे तो देखना, फॉर्म है दोस्तों आपका 26/5 यानी 26 मई से लेकर 24 मई तक, 24 जून तक, सॉरी दोस्तों 24 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, 26 मई से 24 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये सभी मुख्य बातें थी, कितने पद है, 460 पद है, एग्जाम कब होगा सितंबर 2022 में, फॉर्म कब से शुरू होंगे 26 मई से, कब तक चलेंगे 24 जून तक, ठीक है दोस्तों, क्या योग्यता रहेगी 12वीं प्लस सीलिस रहेगी, मेन मेन दोस्तों यही आपके रहते हैं। अपेयरिंग वाला फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बताओ दोस्तों, ठीक है, और कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट बता सकते हैं। आगे वीडियो आएगा कैसे तैयारी करनी है, जो आपका सिलेबस की बात है, सिलेबस दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नया भी जारी करेगा, और जो सेवा नियमों में आएगा वह भी सिलेबस, पूरे पूरे चांसेस है उसके रहने के, अगर वही सिलेबस रहता है तो आप कैसे तैयारी करें दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड करके देख सकते हैं।
अब एक मुख्य बात है दोस्तों, वो ध्यान से सुन लेना या देख लेना या आप एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लेना, विज्ञप्ति में पढ़ लेना। क्या है वो मुख्य बात? एक नया दोस्तों नियम आया है। वो नियम क्या कहता है? वो नियम क्या कहता है दोस्तों? वो आपके क्या है, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना कि किस प्रमाण पत्र कब तक होना चाहिए। नियम ये है कि जब अंतिम तिथि है फॉरम की, तो उस अंतिम तिथि तक नया प्रमाण पत्र है आपका जाति का, जो भी आरक्षण के लाभ के लिए दोस्तों, चाहे ईडब्ल्यूएस का है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो वो नया बना होना चाहिए दोस्तों। ये नियम है, और जिसको जो जो छूट है दोस्तों वो दे रखी है। तो एक बार अच्छे से आप ये चीज पढ़ लेना अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नया प्रमाण पत्र आप दोस्तों इशू बनवा लें तो आप अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नया जो भी नियम आया है, 20/1/2022 को एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें यह दे रखा है प्रमाण पत्रों का सत्यापन आपका अंतिम तिथि तक से पहले किया जाएगा। किसका? केवल जो भी जाति प्रमाण पत्र है, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है। ये थी दोस्तों आपकी भर्ती से संबंधित, नोटिफिकेशन से संबंधित। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, ठीक है, ये देखो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। सिलेबस की बात रहती है तो सिलेबस का लिखा है कि क्या परीक्षा विवरण रहेगा, वो वेबसाइट पर अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। वो जैसे भी आता है हम डिस्कस करेंगे। और जो टेंटेटिव बता रहे संभावित है जो सेवा नियम के अकॉर्डिंग, तो उस पर हम एक पूरी वीडियो लाएंगे दोस्तों, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। ठीक है, ये था दोस्तों आपके लिए नोटिफिकेशन। तो अब से ही लग जाए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा ग्रेड 3rd सितंबर माह में होगी, और नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इसके लिए क्या क्या कैसे पढ़ना है आगामी वीडियो में देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, चैनल का लिंक दिया गया है, तो वो ज्वाइन करें दोस्तों। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें। यहाँ से दोस्तों प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर जितने भी आए हैं उनकी वीडियो सीरीज आपके पास यहाँ मिल जाएगी, प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। LIS LIS लर्निंग अकेडमी के साथ जुड़े रहिए।